मेरा नाम मोहम्मद दाऊद इब्राहिम, मेरे पिता का नाम मोहम्मद शौकत अली, मैं प्राथमिक विद्यालय सरसावादी टोला लालगंज के पांचवी कक्षा का छात्र हूँ। मैं आप लोगों को समक्ष एक छोटा सा भाषण पेश करना चाहता हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हो तो क्षमा करना। आदरणीय मुख्य अतिथि हमारे प्रिय प्रधानाचार्य गुरुजन गुरुंग और प्यारे दोस्तों, आप सभी को इस महान पर्व गणतंत्र दिवस की बधाई और शुभकामनाएं। जैसे कि आज हम सभी जानते हैं कि आज हम सब 75वां गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए यह एकत्र हुए हैं। साथ ही 15 अगस्त 1947 को हमारा देश गुलामी की बेड़ियों से मुक्त जरूर हो गया था, लेकिन देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए हमारे पास अपना संविधान नहीं था और संविधान के बगैर देश को नहीं चलाया जा सकता था। ऐसे में तब संविधान सभा का गठन किया गया और संविधान को बनाया गया। इसके निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे अहम भूमिका रही और संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा तथा भारत के लोकतांत्रिक 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया तथा भारत के लोकतांत्रिक और गणतंत्र देश के रूप में घोषित किया गया। यह संविधान ही है जो भारत के सभी जाति और वर्ग के लोगों को एक दूसरे से जोड़े रखता है। भारत का संविधान दुनिया के सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अब मैं अपने वक्तव्य के लिए विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। देश सलामी इस तिरंगे को जिससे हमारी शान है, देश सलामी इस तिरंगे को जिससे हमारी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना जब तक अपने जान है।